क्या कहा अभी से तुमने कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? नहीं आपी, मैं ऐसा क्यों? झूठ मत बोलो। अभी मुझ पे गुस्सा हो रहे थे। अभी मेरा यकीन करें, मैंने अभी से कुछ नहीं कहा। इतना ख्याल रखने के बावजूद अगर अभी को लगता है कि मैं बेहिस हूं, तो ठीक है, अब पता चलेगा तुम्हें कि बेहिस क्या होता है। आप मत लगाओ मुझे, और ना ही मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी है। आज तक तुम्हें सिर्फ मेरा प्यार देखा था, अब देखो कि बेहिस कैसे हुआ जाता है। बीना, 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 आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? बीना, माँ, माँ, अनीला। लेकिन आप को मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है रोहित सर, वो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो आपको भी कोई जरूरत नहीं उसकी परवाह करने की। वो मेरी बहन है जुनेद। बहन थी कभी, अब नहीं रही। अब उनके दिल में आपके लिए नफरत है। क्यों? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब आप रूही की वजह से मुझे हर्ट कर रही हैं बीना। आपके आंसू बर्दाश्त नहीं होते मुझसे, जानते हैं आप। प्लीज रोना बंद कीजिए, और आज से आप रूही के लिए बिल्कुल आंसू नहीं बहाएंगे, और ना ही उनके बारे में सोचेंगे। वो जो करें आपको परवाह नहीं करनी। ऐसे कैसे हो सकता है जाने? मैं खुद को इतनी लापरवाह कैसे बना सकती हूँ? मेरी खातिर बनाना पड़ेगा आपको, अगर आपको मुझसे जरा सा भी प्यार है तो। यही अथॉरिटी चाहिए थी ना आपको? हाँ। फिर अब क्या करोगी? जुनेद भाई से कह के कोई फसाद करोगी, या फिर अब्बी को बुलाओगी अपनी हिमायत के लिए? तुम्हें तो यही आदत है ना, इंसानों और रिश्तों को टूल्स की तरह इस्तेमाल करके उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। मुझे लगा था कि आप मुझे जानती हैं। आप ही, मुझे भी यही खुशफहमी थी तुम्हारे बारे में, पर तुमने अच्छा किया, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी ये गलतफहमी दूर कर दी। छोटी बहू होने के बावजूद तुमसे सारे इख्तियारात छीन लूंगी मैं। ये इख्तियारात आपके लिए रिश्तों से बढ़कर हो गई हैं। जब रिश्ते आपको इस्तेमाल करने लगे ना, तो आपको भी वही करना चाहिए जो आपके साथ होता है। तुमने भी तो मेरा इस्तेमाल किया अब्बी को अपनी तरफ करके। क्या बार बार एक ही बात दोहरा रही हैं आप? हमारी रगों में एक ही खून दौड़ता है, बहने हैं हम। दुश्मन नहीं जो आमने सामने खड़ी हो जाएंगी। दुश्मन ना सही, जिठानी तो हो ना। बस यही एक रिश्ता सारे रिश्तों पर भारी है। मुझे मानना ही नहीं चाहिए था शादी के लिए, अभी तक बात पहुंचने से पहले ही खत्म कर देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से ही होती है ना, पर उन गलतियों से सीखने में ही अकलमंदी होती है। दुश्मन ना सही, जिठानी तो हो ना। बस यही एक रिश्ता सारे रिश्तों पर भारी है।
जान के मुझे किचन में भेजा था कि इतनी गैस स्मेल, चूल्हे किसने खोले हैं? चलें भाभी यहाँ से, तबियत खराब हो जाएगी आपकी। चलें बैठिए इधर। शिफत भी तो घर पर है नहीं, फिर ये लापरवाही किसने की? मुझे तो सोच सोच के वहशत हो रही है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो। मुझे खाना बनाना है। क्या हो गया आपको? अंदर इतनी गैस फैली हुई है, जरा सी माचिस जलाने की देर है, आग भड़क उठेगी। मैं भी फोन करती हूँ रूही को और अम्मी को उसकी लापरवाही के बारे में बताती हूँ। नहीं नहीं अनु, आप प्लीज अम्मी से या किसी से भी कुछ मत कहिएगा। क्यों ना कहूं? आपकी जान भी जा सकती थी। कहीं रूही ने जानबूझकर तो? नहीं, नहीं। वो ऐसा नहीं कर सकती। आप ही ऐसा नहीं कर सकते। मुझसे लाख इनकार करो बीना, दिल में शक तो आ ही गया है तुम्हारे। क्या है? अगर कोई काम का कहने आई हो तो काम करने का मूड नहीं है मेरा। क्यों किया आपने ऐसा? क्या किया है मैंने? बीना के दिल में यकीन खत्म ना भी हो, टकमगाया तो जरूर होगा। अनजान मत बने, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अगर रूही अपनी वजाहत से शक का बीज बाहर निकालने में कामयाब हो गई तो? ऐसा नहीं होगा अम्मी, बदगुमानी की जो दीवारें उनके दरमियान खड़ी की हैं, वो उसके पार कभी नहीं देख सकेंगी। बोलो। आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? क्योंकि आपको होल्ड चाहिए इस घर पर, घर के इख्तियारात पर। इतना गिरा हुआ समझती हो तुम मुझे? इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगी? अगर ऐसा नहीं था तो चूल्हे कैसे खुले रह गए? क्या मुझे फोन करके इंसिस्ट करना कि मैं किचन में जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ? मैं तो घर से बाहर थी। बाहर जाने से पहले आप किचन में थी। तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। यकीनन अनू ने किया होगा। हाँ उन्होंने ही किया होगा। ये उन्होंने नहीं किया, आप भी नहीं किया उन्होंने। मजा तो तब आता ना जब असद के सामने तमाशा लगता और जुनेद को भी पता चलता। तो ये कौन सी बड़ी बात है? जुनेद भाई के कान में बात मैं खुद डाल दूंगी। नाना तुम ये गलती हरगिज मत करना। दोनों बहनें खुद ही लड़े, खुद ही बुरी बने, हमें बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? खैर ये तो चलता रहेगा। तुम मुझे बताओ, तुमने घर देखा है, कोई पसंद किया? जी पसंद तो कर लिया है, बस अब देखने जाना है। हाँ तो जाओ बेटा, इसको इतना लटकाने की क्या जरूरत है? जुनेद फाइनल करेगा तो और भी तो काम है ना बेटा। वैसे अम्मी इकलौती बहन हूँ, लेकिन लग नहीं रहा कि मेरी शादी हो रही है। ना कोई तैयारी, ना कोई शोर शराबा। क्या चाहती है मेरी बेटी? मैं एक महीना पहले ही ढोलकी रख लूं। जो मैं चाहती हूँ वो आप करेंगी?
बेटा अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूंगी। मैं चाहती हूं कि रूही मेरी शादी में शरीक ना हो। जी खूबसूरत आई है भाभी से मिलने और रिफत भी घर पर नहीं है तो चाय बना दो। मैं थकी हुई हूं, आप बीना से कह दें। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है वो तो ठीक है लेकिन मुझे तुम्हारे मिजाज ठीक नहीं लग रहे। अच्छी तरह जानती हूं मैं इस सब के पीछे आपका हाथ है। ये क्या कह रही हो तुम? ज्यादा मासूम मत बने। बीना अभी छोटी है, उसे सही गलत का अंदाजा नहीं है, इसीलिए आप उसे अपने इशारों पे नचा रही है ना। कोई बात नहीं रही, अगर तुम नई चाय बनाना चाहती तो मैं खुद बना लूंगी। अब खूबसूरत इतने दिन बाद घर आई है, उसे बिना मेहमान नवाजी के तो नहीं भेज सकते ना। क्या बना लोगी तुम खुद? एक्चुअली रूही काम करने से मना कर रही है। नहीं, मैं क्या सुन रहा हूँ रूही? क्यों असद, मैं किसी काम से मना नहीं कर सकती। कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, कोई इशू नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। तुम कुछ मैनेज नहीं करोगी। रूही जाके सबके लिए चाय बनाएगी। जाओ रूही, जाके काम करो। रहने दो असद, जोर जबरदस्ती से काम नहीं करवाना चाहिए। अगर उसका दिल नहीं है तो कोई बात नहीं। आपने सुना नहीं, जाए जाके चाय बनाए। अनु, अम्मी से इस बारे में कुछ ना कहने के लिए मना कर रही थी। तुम परेशान नहीं हो, मैं जानती हूँ, और मुझे इस घर के सुकून की परवाह तुमसे ज्यादा है। तुम जाओ जाकर फ्रेश हो, मैं देखती हूँ। थैंक यू। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती।